एक साल बाद दीपावली का त्यौहार आता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। भीड़ आप देख सकते हैं। क्यों मॉलों में जाते हैं तो कम क्यों नहीं कराते हैं? अच्छा हाँ। मॉलों में अगर फिक्स रेट होगा तो उसको कम कराने के लिए नहीं बोलेंगे, यहाँ ये 10 रुपए की 12 मिल रहे हैं, इसको कहेंगे 15 कर दो, 20 कर दो। कैसी चल रही है दीपावली की शॉपिंग? ठीक चल रही है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। हैप्पी दिवाली। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ तनुजा। जैसे कि दिवाली बहुत नज़दीक है और दीपावली के चलते जो बाजारों में है वो रौनक लौट आई है, और लौटे भी क्यों ना, 2 साल तक जो कोरोना की मार झेली, व्यापारियों को भी उससे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ था, जिसके बाद आज 24 अक्टूबर को जो दिवाली है उसके पहले धनतेरस और छोटी दिवाली, जिसको लेके मार्केट में चहल पहल देखने को मिल रही है। इस बार हम क्या कुछ मार्केट में दीपावली में क्या कुछ नया यहाँ पर आया हुआ है और लोगों की भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार की जो दिवाली है वो कितने धूमधाम से मनाई जाएगी। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस बार इनका कारोबार जो है वो किस तरीके से चल रहा है। नमस्ते आंटी। नमस्कार। और इस बार की क्या कुछ खास इस बार मार्केट में देखने को मिल रहा है और कैसी इस बार, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दिवाली की? पहले तो सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी और बाकी काम अभी 2 दिन में ही स्टार्ट हुआ है, तब से तो हम खाली ही बैठे थे, अब थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा रिस्पांस। हाँ जी, आज से जैसे कि अभी धनतेरस है, फिर उससे पहले छोटी दिवाली आती है, तो पिछली बार जो हुआ था दीपावली मनाई थी लेकिन बहुत ही कम सीमित मात्रा में मनाई थी, इस बार आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है? हाँ, कस्टमर्स में है क्रेज कि हाँ आपकी बार अच्छे से दिवाली मनाई जाए। हाँ, तो थोड़ा बहुत चेंजेस है यहाँ पे, खरीदारी करने के लिए भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम? मंजू सैनी। कहाँ से आई हैं मंजू जी आप? मैं हीरानगर उत्थान मंच के पास से। अच्छा, पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस बार का फेस्टिवल आप कैसे मना रहे हैं? दिवाली मतलब कितना एक्साइटमेंट है? देखिए, कोरोना के बाद मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इस समय भीड़ भाड़ भी है मार्केट में, अच्छा लग रहा है। दिवाली तो मतलब हम लोग हिंदुओं के त्यौहार के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है ना। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। हेलो सर, आपका नाम? मेरा संजय गुप्ता। तो सर, कैसा चल रहा है इस बार आपको कारोबार और दिवाली में इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? सभी पहले अच्छा है, बाजार में काम बढ़ रहा है। काम बढ़ रहा है और कुछ ऐसा की मतलब कोई शिकायत नहीं? सही है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। पिछली बार जो उसके अकॉर्डिंग पिछली बार तो अच्छा ही है, बेटर ही है, बेहतर है, बहुत अच्छा है। जैसे कि कारोबारियों का भी यहाँ पे साफ तौर पर कहना है, उनको भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। और आप माहौल में आपको दिखाना चाहूँगी कि दिवाली को लेकर कितनी भीड़ मार्केट में है, आप देख सकते हैं। वैसे हल्द्वानी जैसे शहर में कई जगहों से लोग यहाँ पे आते हैं और पहाड़ों से भी लोग यहाँ पे आते हैं अपनी खरीदारी करने के लिए, और हल्द्वानी का मुख्य बाजार है, तो आप भीड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं किस मात्रा में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। कई जगहों से जो है यहाँ पे लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं और मार्केट जो है पूरी दिवाली की तरह सज चुकी है, आप देख सकते हैं। कुछ आप कहना चाहेंगे किस तरीके से इस बार व्यापार चल रहा है दिवाली का आप लोगों का, और क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है इस बार? नया कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी इसमें प्रशासन की कमी है, जो बाहर से व्यक्ति आया हुआ है उनको आगे दुकानें देके लोगों ने बसा रखा है, यहाँ का व्यापार तो बिल्कुल चौपट हो चुका है। हम लोग माल लेके बैठे में 1 रुपये की कोई दुकानदारी नहीं, ऐसी रेट टू रेट माल बेचना पड़ रहा है। सड़कों पर फल व्यापारी बैठे हुए, खील वाले बैठे हुए, 1 किलो का आधा किलो तोल के दे रहे, प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा, वो ग्राहकों की जेब काट रहा है और प्रशासन आँख बंद करके उसको बिल्कुल देख रहा है। अभी बीच में ही देख लीजिए, अब हाल में ही बाजार वालों का सबका चलान काटा गया, 2-2 हज़ार का, किसी का 1000 का, किसी का 250 का, ये कौन सा दुख है? त्योहारों पर तो हर आदमी दुकान में भाल लगाता है, या तो इसकी सीमा तय कर दी जाए कि व्यापारी को इतना लगाना है, हम उस सीमा तक लगाएंगे। ये कोई जायज़ बात नहीं कि आप किसी भी टाइम बाजार में आओ, चलान काट के दुकानदार को चल दो,
बिल्कुल, इनका कहना है कि प्रशासन इस तरीके इसमें ध्यान दे, क्योंकि जो यहाँ के लोकल जो यहाँ के व्यापारी हैं, बाहर के व्यापारी आते हैं अपना फल लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के व्यापारियों को इसका इसका लाभ नहीं मिल पाता है। और जो ये दीपावली जैसा सत्यापन करने की मांग ये लोग लगातार यहाँ पे कर रहे हैं, और भी मार्केट में जो भीड़ लगातार यहाँ पे देखी जा रही है, इनसे भी हम बात करते हैं। महिलाएँ जो हैं वो भी आई हुई है, क्योंकि शॉपिंग है, दिवाली दिवाली का त्यौहार है और शॉपिंग करनी है। आंटी जी है हमारे साथ, इनसे भी हम बात करते हैं। दीपावली आपको बहुत बहुत बधाई आंटी। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस बार का फेस्टिवल किस तरीके से मना रहे हैं? बहुत अच्छा मना है, अच्छा लग रहा है, बाजार में खूब। हाँ, आप भी शॉपिंग करने आई, क्या कुछ नया लिया इस बार, क्या कुछ नया है, कुछ ऐसा? नए तो ये आए हैं, गुलदस्ते आए हैं अच्छे अच्छे, बाजार में मालाएं टकी हैं। और पिछली बार जो दिवाली मनाई थी घर पे ही मनाई थी, ऐसे नॉर्मल कोरोना था, सबने घर में मनाई, इस बार खुशी है ना? इस बार खुशी है, भीड़ है, इतनी भीड़ कहाँ थी और दिनों। अच्छा लग रहा है, दिवाली का त्योहार है, मिलजुल के सबको एक साथ मनाना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कहाँ से है आप लोग? काठगोदाम। काठगोदाम से आप लोग? आपके घर के सामने ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं कितनी खुशी यहाँ पे, खरीदारी जो करने आए, कितनी खुशी का माहौल यहाँ पे लोगों को है, क्योंकि एक साल बाद दीपावली का त्यौहार आता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ मार्केट पे लगी हुई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे मार्केट सजी हुई है, और यहाँ पे कई लोग भी हैं, ग्राहक आए हुए हैं, यहाँ पे इनसे बात करते हैं। तो पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। बहुत सुंदर आप लग रही है। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगी दिवाली को लेके? अच्छा, हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से। थैंक यू। तो दिवाली में जैसे आप यहाँ पे बैठी हैं, और क्या कुछ यहाँ पे नया आया हुआ, और खासियत क्या है उसकी? दिवाली में सबसे खासियत है गन्ने वाली देवी बनती है। अच्छा। हाँ, तो उनके इस बार बहुत सारे डिज़ाइन में वो आए हैं, फेस आए हैं, और ये ड्रेसें आई हैं, अलग अलग डिज़ाइन की है सारी, और सब अलग अलग रेट के हैं, और सब लोग गन्ने की देवियाँ बनाते हैं, तो ये खासियत होती है दिवाली की। तो ये पहली बार है या फिर हर साल से ये हर साल आता है? मतलब कुछ नया वैरायटी में आया होगा? हाँ, इस बार नया वैरायटी में आया है। और दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है आपकी खुद की? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्साइटेड भी हैं दिवाली को लेके आप बहुत ज़्यादा, और नई चीज़ें भी काफ़ी आई हुई है यहाँ पे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि एक बार दिखाई कि क्या कुछ नया मार्केट में इस बार देखने को मिल रहा है। बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो मार्केट जो है सजी हुई है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार यहाँ पे शॉपिंग चल रही है महिलाओं की, क्या कुछ वो लोग नया ले रही हैं, इनसे हम बात करते हैं यहाँ पे। और कितना एक्साइटमेंट तो ज़्यादा ही दिख रहा है। मैम, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, क्योंकि कोरोना का पीरियड नहीं है तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लिया आपने आज मार्केट से ऐसा? अभी हमने दिवाली का ही सामान ले रखा है, जैसे खिले खिलौने ले रखे हैं और मालाएँ ले रखी हैं। जैसे कि ना हिंदू धर्म में जो होता है, हमारी दीपावली का ही बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है। तो जो पहले जो दिवालियाँ मनाई जाती थी गांव घरों में, और अब की जो दिवाली मनाई जाती है लाइटिंग के साथ, ऐसे के साथ, तो आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस आपको नज़र आता है? अब जो हमारा पहले का है, जो पहले धर्म में मनाया जाता था, वो तो अब है ही नहीं, अब तो कुछ अलग ही हो गया है। नहीं तो हमारे हिंदू धर्म में पहले से मालाएँ घर में बनाई जाती थी, और क्या कहा ऐपन जो है खुद हाथ से देते थे। अब ये सब कुछ क्या कहा चिपकाने का सिस्टम चल गया, कुछ अलग ही हो रहा है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो, जैसे कि पहाड़ी में जो ऐपन होते हैं, दिए जो होते हैं मिट्टी के, अब जो मिट्टी के दिए आने लग जाते हैं, पहले से हमारे घर में आटे के ही दिए बनाए जाते हैं, ऐसी भी कुछ कई चीज़ें हैं जो अब नहीं रह गई हैं। जहाँ तक है, जैसे कि टेक्नोलॉजी विकसित होते जा रही है, तो हमारी जो पहाड़ की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं रह जा रही है। लेकिन हालाँकि यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है, लगातार लोग यहाँ पर अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, महिलाएँ भी यहाँ पर आई हुई हैं। हम आगे भी लोगों से बात करेंगे। अभी हम आ गए हैं खिल बताशे की शॉप पर, और यहाँ पे भी हम इनसे बात करते हैं। हेलो भैया, कैसे हो आप? आपका नाम? काली चंद गुप्ता। ये खिल बताशे की शॉप आपकी है ना, इसका क्या महत्व होता है वैसे? हाँ जी,
इसका वैसे क्या महत्व है? पूजा होती है, पूजा होती है, हाँ जी पूजा होती है। अच्छा, उत्तराखंड में? जी हाँ जी, सभी जगह होती है। अच्छा, हर जगह मिलता है? हाँ जी हर जगह मिलता है। अच्छा, किस किस कहाँ से ये आप मंगवाते हैं और ये कैसे कैसे बनता है? ये मैडम यही भट्टी लगती है इसकी, यही बनता है हल्द्वानी में, खिलौने बताया यही बनता है, पेड़ा आगरा से आता है जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दीपावली को लेकर, कैसा आपका कारोबार चल रहा है और पिछली बार ये सारी चीज़ें तो बैन हो चुकी थी? कारोबार तो मद्दा ही है इस समय, क्योंकि जब से कोरोना लगा तब से कारोबार मद्दा ही होता चला गया और सारी शॉपिंग आजकल ऑनलाइन हो रही है, तो कारोबार कुछ है नहीं बिहार में। अच्छा, है नहीं? जी बिल्कुल नहीं, खाली खड़े हैं, देख लो आपके सामने ग्राहक है कहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन व्यापार से रिटेल में बहुत वो पड़ा प्रभाव, इसलिए हम कहते हैं ऑनलाइन कम करा जाए तो अच्छा होगा। जैसे ऑनलाइन से प्रभाव पड़ा है, मतलब ऑनलाइन से बहुत प्रभाव पड़ रहा है इस पे रिटेल में, कि अब आप सब घर पे ऑनलाइन कर ले रहे हैं तो यहाँ आने में बहुत वो हो रही है मार्केट में। आप खुद देख रहे हैं, खुद देखो बाजार बिल्कुल खाली पड़ा, कभी भी दिवाली पे बाजार इस समय ऐसा नहीं पड़ा खाली बिल्कुल। अच्छा। ये तो इनका कहना है कि जब से ऑनलाइन चीज़ें आने लगी हैं तब से जो है इन चीज़ों का कम हो गया है और व्यापार भी कम हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि जैसे ये बताशे आप देख सकते हैं और इनको इनको खिल खिल बोलते हैं ना भैया, हाँ खीले हो गए, बताशे यहाँ पे लगे हैं और ये हाथी हाथी घोड़ा जो इनके भगवानों के शेप पे बनाए जाते हैं ना, ये खासकर जो होते हैं, एक मुझे उठा के दे दीजिए आप, जैसे कि आप ये देख सकते हैं जो इसका आकार है लक्ष्मी और गणेश जी जैसा इसका आकार है और विशेष तौर पर जो ये होता है ना, इसको आप दिवाली में इनकी पूजा की जाती है अच्छे तौर पे, जैसे भगवानों की पूजा की जाती है वैसे इनकी भी पूजा की जाती है, इसका भी एक विशेष महत्व यहाँ पे होता है और दीपावली में जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो एक आकर्षण का केंद्र बन जाती है। हालाँकि उत्तराखंड में अर्पण की अगर मैं बात करूँ, खिल बतासे की अगर मैं बात करूँ, दीयों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहती है। हमारे साथ माता जी इनसे पूछते हैं कैसे क्या, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला देवी जी। आप ये बताइए कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी दिवाली को लेकर? बहुत अच्छी चल रही है ये साल, बहुत अच्छी चल रही है, कोरोना दो साल कोरोना हो गया, इस साल बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, बहुत अच्छी चल रही है और खुशी उनके चेहरे पे जो खुशी है उसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार की दिवाली उनकी कितनी अच्छी चल रही है। और दीपावली जैसा त्यौहार हिंदू धर्म में जो त्यौहार होते हैं, कुछ जाने माने त्यौहार होते हैं जिनमें जो आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसको एक लोगों को इकट्ठा करने के लिए और कुछ ही समय जो ये मिलता है जिसमें एक परिवार आके साथ में जो है वो अपनी खुशियां मनाता है, कुछ ही त्यौहार जो होते हैं ये विशेष तौर पर दीपावली रक्षाबंधन ऐसे ही कुछ त्यौहार हैं जो अपनों को अपनों से मिला देते हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं दीपावली में अगर दिए की बात ना हो तो अधूरा ही लगता है। तो हमारे साथ यहाँ पे ये है मैम है, इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? अंजुना है। आप यहाँ पे बहुत सालों से आप यहाँ पे अपना जो है दिए का ठेला ये जो भी है आप यहाँ पे लगाते हैं, तो बदलाव लगा पिछली बार और इस बार में ऐसा? इस बार में काफ़ी बदलाव है। ऐसा क्या इस बार में बदलाव देखिए? इस बार में ये है बदलाव, अब दिए कट्टे इस बार महंगे आए हैं। महंगे आए हैं दिए इस बार, पिछली बार सस्ते थे। हाँ, आपको जैसे ना दीवा जैसे एक दिया आप मात्र 10 रुपये का बता रहे, ऐसे भी लोग आते हैं जो आपको इसको 10 रुपये से भी कम करने की बात कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कितने बार आते हैं ऐसे लोगों से, फिर आप क्या कहना चाहोगे? मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ मॉलों में जाते तो कम क्यों नहीं कराते हैं? अच्छा, हाँ। मॉलों में अगर फिक्स रेट होगा तो उसको कम कराने के लिए नहीं बोलेंगे, हाँ ये 10 रुपये की 12 मिल रहे हैं, इसको कहेंगे 15 कर दो, 20 कर दो, ये चीज़ वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं, इनको क्यों बोलते हैं, ये कहना चाहूँगी मैं पब्लिक से। पब्लिक से साफ तौर पर है क्योंकि हम कभी मॉल्स जाते हैं और जगह जाते हैं वहाँ क्यों नहीं। हमारे साथ माता जी भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? आप हल्द्वानी से ही हूँ। हल्द्वानी से आप दिए लेने आप आई हैं, तो आपको नहीं लगता कि पहले जैसी दिवाली मनाई जाती थी गांव घरों में जैसे मनाई जाती है और अब? पहले वाली बात कहाँ है अब ना, नहीं है ना? नहीं, वो वाली बात नहीं है अब। पहले जैसे सब लोगों में प्रेम था, सब कुछ वो था, लेकिन अब वाली बात नहीं है। अच्छा, तो इस बार की दिवाली में क्या कुछ खास होने वाला है? घर में तैयारियाँ कैसी चल रही? तैयारियाँ चल ही रही हैं, सब बच्चे मस्त हैं, बच्चे आए हुए हैं, मस्त हैं। ये एकमात्र त्योहार दिवाली, कुछ ही त्योहार हमारे ऐसे आते हैं जो परिवार को जोड़ देते हैं एक साथ ना, वरना भागदौड़ भरी जिंदगी में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है दिए हैं और 10 रुपये में आपने बोले थे ये दिए,
12 दिए हैं और अभी भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे, तो आप सभी से भी हमारा भी निवेदन है कि इन चीज़ों पे कमी करने का कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं बनती, क्योंकि ऑलरेडी ये जो चीज़ें हैं ये दीपावली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और कारोबार जो है पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर दिए का जो स्टॉल है वो लगातार कई सालों से जो है यहाँ पर लगता आया हुआ है। भीड़ भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, शाम का टाइम है और भीड़ जो है लगातार जो है बढ़ती जा रही है। महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम? हंसी देवी। कहाँ से हैं आप? नारायण नगर बिठोरिया नंबर 1 से। अच्छा, वहाँ से। तो कैसी चल रही है दीपावली की शॉपिंग? ठीक चल रही है। मज़ा आ रहा है? अच्छा, मज़ा आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? कुछ नहीं। कुछ खास इस बार दीपावली में घर पे? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। कुछ खास नहीं है, तो नॉर्मल ही है, ही है। चलिए ठीक है। तो महिलाएं भी यहाँ पर शॉपिंग जो है वो कर रही हैं और शाम का समय हो गया है, लेकिन फिर भी जो है मार्केट में आवाजाही जो है वो लगातार जारी है। हो भी क्यों ना, क्योंकि एक साल बाद जो है इतना बड़ा त्यौहार जो आता है। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। हैप्पी दिवाली पहले तो आपको। हैप्पी दिवाली सबको। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं हल्द्वानी से, मेरा घर वहीं पे ही है। आपका नाम? मेरा नाम जिया बेलवाल है। तो जिया, कैसी चल रही है तुम्हारी दिवाली की तैयारियाँ? पटाखे वटाखे आ गए घर पे सारे? अभी तो नहीं आए, अभी हम लेने वाले हैं। लेने वाले हो? क्या क्या लेने वाले हो? मार्केट में तो सब कुछ पसंद आ रहा होगा ना? हाँ है सब कुछ। पापा से बोलो सब कुछ ले आए मेरे लिए। मन तो करता है। मन करता है? और तुम्हारा भाई? हाँ, इसका भी करता है। इसका भी मन करता है। आपका नाम? रिवांश। रिवांश, पटाखे फुलझड़ी पापा लेके आ गए घर पे? नहीं नहीं लेके आए। तुमने बोला नहीं लाने के लिए? क्यों, डर लगता है ना? लगता है ना डर? पापा अपना। अच्छा, पापा अपने आप लेके आएंगे फिर। हाँ अच्छा, हैप्पी दिवाली बोलो फिर। हैप्पी दिवाली। और ये? इतिका बेलवाल। अच्छा, क्या आपके घर पे दिवाली मना रही हो आप? पटाखे आ गए दिवाली के लिए? क्या लोग, क्या लोगी इस बार? फुलझड़ी। फुलझड़ी, उससे डर नहीं लगता ना? अच्छा होता वो है? और कैसा लग रहा है आपको यहाँ घूम के मार्केट में? क्या क्या पसंद आया आपको? सब। सब कुछ पसंद आ रहा है? सब कुछ चाहिए? जैसे कि आपने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी यहाँ पे मार्केट में आए हुए हैं और आए भी क्यों ना, बच्चे हैं छोटे छोटे मार्केट में यहाँ पे आए हुए हैं और सब कुछ इनको यहाँ पे काफ़ी पसंद आ रहा है। जैसे कि आपने देखा हल्द्वानी का मुख्य बाज़ार है और यहाँ पर किस तरीके से रौनक छाई हुई है, और रौनक छाई भी क्यों ना, क्योंकि दीपावली का जो त्यौहार है जो साल में एक बार आता है और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुआ है कि आपका जो दीपावली का त्यौहार है वो भी बहुत ही खुशहाल हो। न्यूज़ 31 परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तनुजा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।